अबे एंजल जो है ना, अपने देखो, अपन बचपन में किसी चीज की जिद करते थे और या फिर रोते थे, तो अपने को तो मम्मी जो है वो और ज्यादा पीटती थी। रोवी बे रोई रो 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 रो, और ऐसी चुम्बी पकड़ के चुम्बी, थोड़ी तो देर तो अपनी स्पीड बढ़ाते, देखे क्या पता जोर से रोने से छोड़ दे, फिर पता चलता कि नहीं सजा बढ़ती जा रही है। तो फिर जोर से रोते रोते धीरे 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 कम होते होते वॉल्यूम, वे रोई। फिर वो जिस जो चीज मांगते थे उसको कहते, वह हम चाहिए कुल्फी खानी, तो बच्चा 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज होता है कि ये किस भाव में पूछ रहे, फिर उसे समझ आता कि नहीं, तो कुल्फी नहीं खानी। ठीक है, तो खैर अपने, इसलिए अपने वालों को ये एंजल समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, ये बचपन में जब भी रोते थे ना, तो इनको कहते एंजल आएगा, ऊपर से देवदूत। एंजल का मतलब क्या होता है? देवदूत। वो आएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, जो जो चीजें कुल भी छोड़। और खैर इंग्लिश मीडियम वालों कुल्फी की तो जिद करनी नहीं पड़ती थी, इनको तो घर वाले जबरदस्ती दूध पिलाते थे। हम देखते फिल्मों में दूध पीना पड़ेगा और बच्चे नाक बंद करके, नहीं मम्मी नहीं पीना नहीं पीना, हमारा था हम तो इधर उधर, मम्मी इधर उधर गए हैं तो पीछे डक 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 पी जाते। ठीक है, तो इसलिए उनको तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उन्होंने बचपन में एंजल की बहुत कहानियां सुनी है और बहुत इंतजार किया है, और अब भी कई लोगों को इंतजार होगा एंजल का। ठीक है, तो देवदूत आते हैं और आपकी जो फरिश्ते आते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो वो होता है। वैसे अब